नवरात्रि में उपवास रखना लगभग प्रयास कई लोग करते हैं, लेकिन जो लोग ये नहीं भी कर पाए वो फिर भी बहुत शानदार एक कार्य कर सकते हैं जो उनके जीवन में एक बड़ा फलदायी परिणाम दे सकता है। हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उसमें 5W1H कॉन्सेप्ट आता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम अपने भोजन के साथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि भोजन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसी साधना से जुड़ी हुई चर्चा होती है तो उसमें आती है। लोग व्रत उपवास करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, एक शाम खाते हैं या पूरे दिन नहीं खाते, जल के ऊपर रहते हैं, बिना नमक के खाते हैं, अलग अलग तरीके के प्रयोग लोग करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप खाइए सब, लेकिन एक अवेयरनेस अपने अंदर ऐसी पैदा कीजिए जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ चले। 5W1H विद भोजन। खुद से पूछिए क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कहाँ खाएं। हम आज के ज़माने में क्या है ना, खाने को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमें ऐसा लगता है ना जैसे गाड़ी में पेट्रोल भराने जाते हैं, वैसे ही बस खटा खटा है, बैठे और कुछ ना कुछ मुंह में खाते गए, कुछ भी बतिया रहे हैं, कहीं भी मोबाइल में घुसे हुए हैं, कहीं भी टीवी देख रहे हैं, कुछ भी चर्चा कर रही है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, सड़क पर चलते हुए खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। मतलब क्या खाएं कभी सोचा ही नहीं, जो मिला सामने सस्ता महंगा स्वाद का खा लिया। क्यों खाएं, स्वाद के लिए खाएं कि स्वास्थ्य के लिए खाएं, भूख लगी है इसलिए खाएं कि जो मिला बस लेते जाएं। कब खाएं, कोई समय होगा क्या, कोई ऐसा समय होगा जब हमारा निर्धारित होगा? क्योंकि आप अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपनी समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपको समझ में आएगा वी गिव सो मच सरप्राइजेस टू आर ओन डाइजेस्टिव सिस्टम, आर ओन स्टमक, जिसके सारे हार्मोन, सारे फूड जूस रिलीज होने के लिए अपने समय का इंतजार करते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से, और उनको समय पर नहीं मिलता। कब खाएं भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ खाएं, कहाँ खाएं, मतलब आदमी आजकल तो क्या है, स्ट्रीट फूड का ज़माना हो गया है, सड़क पे चलते हुए खा रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे कि प्रदूषण ऑलरेडी दुनिया में बहुत है, धूल धक्कड़ उड़ रही है, वो आपके खाने पे चिपक रही है और उसका स्वाद आप विशेष रूप से ले रहे हैं। कैसे खाएं, सोचना पड़ेगा हमें इस बात के बारे में कि हम बस मुंह में डाला और निगल गए या चबाने की भी सोचें। भोजन के साथ क्या खाएं, क्यों खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कहाँ खाएं, अगर इन 5W1H कॉन्सेप्ट्स को लेकर के हम थोड़ी सी एक्सरसाइज शुरू करें तो पहले तो महसूस होगा जैसे हम पढ़ाई की डिग्री लेके PhD पोस्ट डॉक हो गए, बड़े प्रोफेशन में बड़े अच्छे पद पे पहुंच गए, लेकिन भोजन और 5W1H की थियरी क्लास और प्रैक्टिकल क्लास, इसमें अभी हम नर्सरी या KG 1 KG 2 में पढ़ रहे हैं, अभी से अगर शुरुआत करेंगे तो हो सकता है जल्दी ही अच्छी ऊंचाइयाँ हम पा जाएँ, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका है या निकल रहा है। और फूड जो है ना, ये बॉडी का अगर फ्यूल है तो इसकी इज्जत कम से कम उस फ्यूल जैसी होनी चाहिए जो फ्यूल हम जब गाड़ी में भरते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के भरते हैं, शुद्धता का उसकी ध्यान रखते हैं और न जाने कितने प्रिकॉशंस बरतते हैं। भोजन और शरीर को थोड़ा सा वैल्यूबल मान के नवरात्रि में ऐसा भी एक अनुष्ठान